नमाशि वर्धम निर्धत कलिला त्रिलोकाना यद विद्या दर्पण रत्नकंडक श्राप का चार परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य समन्त भ स्वामी द्वारा यह लिखा गया है इसमें रत्नात्रय का बहुत सुंदर वर्णन है और हम किस प्रकार से रत्नात्रय का पालन करें ऐसी विधि इसमें दी गई हुई है अंत में रत्नत्र पूर्वक संलेखना समाधि भी धारण करें ये बात कही गई है और श्रावक को क्रम क्रम से एक देश चारित्र में कैसे बढ़ना है इसकी भी बात यहाँ पर हुई है तीसरा अध्याय चल रहा था परिग्रह परिमाण अणुव्रत परिग्रह का परिमाण बनाना गा श्लोक नंबर था इकसठ धन धान्यादि ग्रंथम परिमाए तथोधिकेशनिश्च प्रहता परिमित परिग्रह स दीक्षा परिमाण नामापी ये श्लोक था कहा गया था कि धन धान्य आदि का जो है परिमाण बनाना चाहिए और उससे जो फिर अधिक है उस पर क्या करना चाहिए निष्प्रहता निष्प्रहता मतलब किसी प्रकार की इच्छा नहीं होना वांछा नहीं होना फिर उसको पाने की इच्छा नहीं होना इसका नाम दूसरा क्या दिया है इच्छा परिमाण नाम क्या नाम दिया इच्छा का परिमाण बनाना कौन सी इच्छा का परिमाण बनाना जितनी आपने मर्यादा बना ली है उसके बाहर अब आपकी कोई इच्छा नहीं है तो बाहर जो इच्छा नहीं है वही इच्छा का परिमाण है जैसे आपने पांच मकान का परिमाण बना लिया कि मैं पाँच मकान रखूंगा अब पाँच के बाद ग्यारह बारह जो भी हैं उसकी वांछा नहीं है आपकी निष्प्रेता है उसके प्रति तो वो आपका इच्छा का परिमाण बनाया मतलब उसे कह सकते हैं इच्छा निरोध क्या किया आपने फिर जितनी और भी आगे चीज़ें हैं उसमें आपने इच्छा का निरोध कर लिया और इस निरोध का नाम बता रहे हैं मतलब इच्छा का परिमाण बना लिया तो ये हो गया इच्छा परिमाण नामक व्रत अथवा परिमित परिग्रह क्या नाम दिया है परिमित परिग्रह परिग्रह का परिमित मतलब परिमाण यह ऐसा अनुव्रत ये पांचवा नंबर का है हम इच्छाओं से कभी कभी अतिचार लगा सकते हैं दोष लगा सकते हैं तो आचार्य भवन कहते हैं कि हमें इतनी सीमा बना के रखो कि किसी प्रकार की तुम्हें इच्छाएं ना हो उसी को जीतना ही जो है आपका जो है व्रत है मुनिराज क्या करते हैं सर्व परिग्रह का त्याग कर देते हैं सर्व परिग्रह का त्याग हो गया इसका मतलब सर्व इच्छाओं का त्याग हो गया किस किस से हो गया क्षेत्र से वास्तु से धन धन से हिरण स्वर्ण से दास -दाश से कपड़ा लत्ता जो भी कपड़ा तो वैसे भी नहीं है लेकिन समस्त जो भोग पदार्थ हैं जितने भी उपभोग पदार्थ हैं उन सब के प्रति क्या है त्याग हो गया देखिए ये परिग्रह परिमाण व्रत अलग है और भोगो भोग जो शिक्षा व्रत है वो अलग है ठीक है दोनों में अंतर समझना परिग्रह परिमाण अनुव्रत जीवन पर्यंत के लिए होता है इसके लिए होता है जीवन पर्यंत के लिए होता है लेकिन भोगो भोग जो परिमाण हैं वो कैसा होता है परिग्रह परिमाण के अंदर भी कुछ काल के लिए कुछ समय के लिए परिमाण जो बना लिया जाता है वो भोगो भोग परिमाण है ठीक है जैसे अपन ने भोजन का परिमाण बनाया कि मैं जो जीवन पर बोलते कि जो है दो टाइम भोजन करूँगा तो ये मैंने परिमाण बनाया उदाहरण के लिए और भोग में मैं क्या परिमाण बना लिया आज मैं एक ही टाइम खाऊंगा एक महीने तक एक ही टाइम लूँगा तो ये उसके अंदर का हो गया ठीक है ना जीवन पर्यंत के लिए मैंने दस वस्त्रों का परिमाण बनाया तो ये मेरा परिग्रह परिमाण वृत हो गया अब उपभोग जो शिक्षा व्रत है उसमें मैं क्या करूँगा वो दस वस्त्र में भी भैया मैं एक महीना तीन चार वस्त्रों का ही उपयोग करूँगा ऐसा नियम लेता हूँ तो उसमें भी और मर्यादा बनाते जाना क्यों बनाना क्योंकि जो शिक्षा व्रत है वो मुनि बनने की शिक्षा देगा शिक्षा देगा तो अब जो आपने परिग्रह का परिमाण बनाया था उस परिग्रह के परिमाण में भी और भोग उपभोग के परिमाण बनाते जाओ और सीमित करते जाओ जितने सीमित जाओगे जितनी सीमा करते जाओगे उतनी आपका इच्छा का निरोध होते जाएगा और सर्व इच्छा का निरोध हो जाना फिर इसका नाम मुनिपन मुनि होने के बाद क्या है सर्व इच्छाओं का निरोध हो जाता है फिर आपके पास कोई क्षेत्र नहीं कोई वास्तु वास्तु मतलब होता है मकान क्षेत्र मतलब खेत खेत खलिहान जो होते हैं वो क्षेत्र होता है वास्तु मतलब होता है मकान दुकान जो भी है जो बनावट हो गई जिस जमीन में जो आपने क्रिएट कर दिया वो वास्तु हो गया वो क्या हो गया वास्तु वास्तु मतलब जो दिशाओं को देखते हुए जो चीज़ रहने के लिए उसके लिए मतलब बनाई जाती है जमीन के ऊपर कुछ भी क्रिएट कर दिया वो आपका क्या हो गया वास्तु हो गया खाली स्थान है वो आपका क्या कहलाएगा क्षेत्र कहलाएगा ठीक है ना तो क्षेत्र वास्तु धन धान धन धान बताया था आपको धन में चेतन अचेतन दोनों और धान मतलब खाद्य सामग्री आदि जो भी है जिससे जीवन जिया जाता है अन्न आदि जो प्राण है वो वो धान दासी दास दासी दास कौन कहलाते हैं आपके सेवक सेविका जो होते हैं नौकर चाकर होते हैं वो क्या कहलाते हैं एक बार प्रश्न आया था कि मुनिराज के साथ जो है बच्चे चलते हैं और पैसे में रहते हैं तो वो जो है क्या मुनिराज के दास दासी कहलाएंगे? यदि मुनिराज की उसमें अनुमोदना है और मुनिराज के आदेश से है तो वो परिग्रह का दोष लगेगा मुनिराज का उसमें कोई आदेश नहीं है और ना ही उसकी अनुमोदना है तो फिर उनमें दोष नहीं लगेगा कोई भक्त रखता है कोई समाज रखता है अब यहाँ से कोई यात्रा करना है लंबी यात्रा में जा रहे हैं बिहार में जा रहे हैं तो समाज लेके जा रही है समाज ही व्यवस्था बना रही है कि हमने गाड़ी भी रखी हमने बच्चे भी रखे हमने वो रखे तो बिहार कौन करा रहा है समाज करा रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन सारा लेखा जोखा हमारे पास रहे और हम ही किसी को डिसाइड करें कि हम ही निकालते हैं और हम ही रखते हैं तो फिर तो वो परिग्रह का दोष लगेगा फिर तो वो दास दासी का भी क्या लगेगा दोष लगेगा वो फिर दोष के भागी होंगे क्योंकि उन्हें समस्त इच्छाओं का त्याग किया है ठीक है ना फिर भी ये भी हमें ध्यान रखना है दस प्रकार का परिग्रह और चौदह प्रकार का जो अंतरंग परिग्रह है ये पूर्णतः से जो त्याग होता है वह त्याग ग्यारहवीं और बारहवें गुणस्थान में होता है पूर्ण त्याग पूर्ण त्याग कहाँ होता है अब जो अंतरंग परिक्रय है तो अंतरंग परिक्रय पूरा कहाँ जाएगा हु? या तो कसाय का पूरा उपसम हो या कसाय का पूरा क्षय हो तो ग्यारहवीं बारह गुणस्थान में होगा तो देखो पूर्ण निर्गंथ दशा कहाँ मिली पूर्ण निर्गंथ दर्शन जो है ग्यारहवें गुण स्थान से बारहवें गुण स्थान से जीव को मिलती जहाँ समस्त परिग्रह का त्याग होता है लेकिन निचली अवस्था में भी मुनि की यही परिभाषा बनाई जाएगी जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के त्यागी हैं परिग्रह चौबीस प्रकार त्याग करें मुनिराज जी मुनिराज जी चौबीस प्रकार का परिग्रह का त्याग करते हैं तो अब जो छठवें गुण स्थान में मुनिराज जी हैं आचार्य परमेष्टि आदि भी हैं उनके पास ही परिग्रह बहुत है चेला चेली वो परिग्रह है ठीक है ना पीछे कमंडल आदि और भी बहुत सारे समान होते वो परिग्रह है तो फिर क्या करेंगे बोले वो मुनिराज हैं पर मुनिराज जो हैं अभी ऊपरी क्लास वाले मुनिराज नहीं हैं पुलाक वुकुस हो सकते हैं स्नातक आदि वाले मुनिराज नहीं हैं निर्गंथ वाले मुनिराज नहीं हैं क्योंकि आप पढ़िए तत्वाश्रुत में पुलाक वकुश कुशील निर्गंत, स्नातक ये पांच प्रकार के मुनिराज कहे हैं सुनना ध्यान सब लोग पांच प्रकार के पुलाक वकुश कुशील निर्गंत, स्नातक जो आप बात कह रहे हो अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रह के पूर्ण त्यागी वो निर्गंथ में जाके हो पाता है कौन से मुनिराज में होता है पूर्ण त्याग निर्गंथ वाले में हो पाता है वो ग्यारहवें बारह गुणस्थान में होता है पुलाक मुनि जो है वो छठवें सातवें गुड़स्थान वर्ती होते हैं और उनमें कदाचित कथनचित कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से दोष आदि लगते रहते हैं। इसी प्रकार के जो इच्छा का निरोध करने के बाद भी पूर्ण इच्छा का निरोध नहीं हो पाता है अब बात समझ में आएंगे ना कि परिग्रह अभी परिग्रह परिमाण अणुव्रत की बात चल रही है तो अपन मुनि तक ना जाए अब श्रावक तक सीमित रहते हैं श्रावक ने जो भी सीमा बनाई है अपनी परिग्रह की उस परिग्रह के आगे नहीं जाना आप सोच समझ करके अपनी परिग्रह का परिमाण बनाइए और जब अपन परिग्रह का परिमाण बना लेते हैं तो फिर हम उसमें आगे नहीं बढ़ते हैं जिस बार एक, एक महिला थी वो दस साड़ी का नियम लिया था उसने यदि कोई उसको साड़ी देता था तो वो एक पहले बाहर करती थी दस से ग्यारह नहीं होती थी बोले नहीं हम तो यूज दस ही करेंगे एक तो रखी रहेगी बाद में देखेंगे ऐसा नहीं वो दस ही परिग्रह परिमाण एलक का छुलक का ठीक है ना छुल्लिका का इन सब का क्या होता है परिग्रह परिमाण होता है और उस परिग्रह परिमाण में वो अपनी जो समस्त वस्तुएं हैं उसका परिमाण बना के रखते हैं कभी नहीं मिले तो कभी नहीं हुआ तो ऐसी हालत आ गई तो ऐसी अवस्था हो गई तो इसलिए थोड़ा रख लें फिर बाद में काम आ जाए ऐसा कुछ भी नहीं आप अपने जो व्रत लिए हैं उस व्रत में आपको परिग्रह का दोष लग रहा है हानि क्या है निश्चिंतता नहीं है ठीक है ना परिमाण बनाने पर निश्चिंतता आ जाती है बस इतना ही बस क्या आ जाती है निश्चिंतता आ जाती है बस इतना ही अब इससे कुछ ज़्यादा नहीं तो इसलिए परिग्रह का परिमाण बना लिया जितना परिग्रह का परिमाण बनाओगे उतनी आपकी निश्चिंतता आ जाएगी दिमाग तनाव में नहीं रहेगा टेंशन में नहीं रहेगा डिप्रेशन में नहीं जाएगा क्यों क्योंकि हमारी एक मर्यादा तय हो गई ग्रह का परिमाण बन चुका है एक शब्द यहाँ पर ध्यान रखें इच्छा परिमाण मापी ये बहुत अच्छा शब्द है इसी शब्द को उपयोग जो है उमा स्वामी ने मूर्छा शब्द कहा है मूर्छा परिग्रह परिग्रह क्या है मूर्छा का परिणाम ममत्व का परिणाम ममेदम का जो परिणाम है परिमाण परिणाम है भाव है उसको परिग्रह कहा है यह मेरा है मैं इसका हूँ ऐसा जो भाव है वो परिग्रह है ठीक है ना बाह्य जो पदार्थ है वो पदार्थ परिग्रह नहीं होता बाह्य का पदार्थ तो पदार्थ रूप ही है उस पदार्थ में यह मेरा है ऐसा जो भाव है उसका नाम परिग्रह होता है आप रास्ते से निकलते हो कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कितने मकान मिलते हैं लेकिन वो परिग्रह कहाँ है आपके लिए आपके लिए वो परिग्रह नहीं है क्यों नहीं है परिग्रह आपके लिए क्योंकि आपका उसमें कौन सा भाव नहीं आया यह मेरा है जैसे भाव आया कि यह मेरा है तो वह क्या हो जाएगा परिग्रह हो जाएगा तो आप जो भी आपको पुण्य से मिलती हैं या मेहनत से मिलती हैं या पुरुषार्थ से मिलती हैं या गिफ्ट में मिलती हैं जैसे मिलती हैं उसमें जैसे ही आपने कहा यह मेरा है ऐसा आया। भाव आया यह भाव आते ही वह पदार्थ क्या हो जाएगा अब वो पदार्थ नहीं रहेगा अब वो पदार्थ परिग्रह हो जाएगा क्या हो जाएगा क्यों परिग्रह हो जाएगा क्योंकि अब आपकी आत्मा उससे जुड़ गई अब आपके भाव उससे जुड़ गए और कैसे जुड़ गए जैसे जैसे पदार्थ में हलचल होगी वैसे वैसे मेरे भावों में भी क्या होगी हलचल होगी जैसे जैसे पदार्थ में परिवर्तन होगा वैसे वैसे मेरे मन में भी परिवर्तन होगा तो ये जो आपको परिवर्तन हो रहा है ये आपका मूर्छा है ठीक है ना तो इसलिए कह रहे हैं कि हम जब परिमाण बना लेते हैं तो कम से कम उतने जो परिणाम हमारे खराब होने थे वो परिणाम हमारे बच जाते हैं तो आप सीमा बनाइए क्षेत्र की वास्तु की हिरण मतलब सोने की चांदी की धन धान्य की दास दासी नौकर चाकर की कपड़ों की वस्त्र की इन सबकी क्या बना लो एक परिमाण बना लो एक बार थोड़ा सा हिम्मत बांध करके थोड़ा एक बार बांध लो बस इतना ही बस आप लंबी बना लो एक सीरीज तक तो जाओ कि यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख करोड़ अरब दस अरब संख्या कितना एक एक सीरीज तक तो जाओ बस यहाँ पे स्टॉप तो हो जा बस इतना तो इतना यदि आपने किया तो इतना भी आपने बहुत बड़ा काम कर लिया क्योंकि हमारी जो तृष्णा है वो इतनी बड़ी है कहते हैं आचार्य भगवान कि ये तीन लोग जो है अणु के बराबर दिखाई देता है ये तीन लोग क्या है बस ये तीन लोग हो गया और मिल जाए तो और मिल जाए ये तो कुछ भी नहीं है मतलब तीन लोग भी मिल जाए तो उसमें भी संतुष्ट नहीं होंगे हम ठीक है तो ये पांचवा नंबर का जो अनुव्रत है परिग्रह परिमाण अनुव्रत इसमें हमें संख्या निर्धारित करनी है सबसे बड़ा काम क्या है संख्या निर्धारित करनी है गणना इतनी ही वस्तु होगी इतना ही सामान होगा इतना ही ये होगा इतना ही वो होगा बस ये आपको सोना रखना है आप दस किलो रखो सौ किलो रखो कोई दिक्कत नहीं हमारे पास तो है नहीं नहीं कोई बात नहीं मर्यादा तो बना लो कभी आ गया तो है खुदाई करिए वहाँ निकल गया फिर क्या करोगे घर में निकलाया अरे फिर तो लाला लालचा जाएगा तो भैया आप उतनी बना के रख लो फिर उसमें भी धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता जाए और जगत और जीवन से उदासी आती जाए तो फिर उसमें धीरे धीरे शरीर भोग से उदासी निवृत्ति आती है तो वो भी छूटता जाता है और एक दिन हम पूर्ण त्याग करने के भाव कर लेते हैं और पूर्ण त्याग करने के भाव से फिर हम मुनि बन जाते हैं मुनि बनकर के मुक्ति के मार्ग में बढ़ जाते हैं मुक्ति की राह में चल बढ़ते हैं और वही जीव जो है अपने को सफल कर पाता है अपनी आत्मा को जो है पावन और पुनीत कर पाता है इस गाथा के माध्यम से आचार्यों ने कहा है निष्प्रहता एक जो शब्द आया है निष्प्रहता इस स्प्रह मतलब होती है बांछा इच्छा आप लोग मेरी भावना में पढ़ते ना शब्द आता है ये हुं? जिसने राग द्वेष का मादक जीते शब्दक जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया किस भाव से दिया निष्प्रह निष्प्रय मतलब उपदेश देते समय कोई वांछा और कोई इच्छा नहीं थी कि लोग इसे ग्रहण ही करें मुझे फॉलो करें मेरी जय जयकार करें मेरा नाम लें जैसे मैं कहूँ वैसे करें ऐसी कोई वांछा उनके मन में नहीं थी तो ये निष्प्रह का अर्थ यही होता है कहीं कोई स्प्रह नहीं है इच्छा नहीं है वांछा नहीं है किसके प्रति त्यागी हुई वस्तु के प्रति जितनी मर्यादा बनाई थी उससे अधिक यशु उससे अधिक चीज़ों में कोई हमें स्प्रह नहीं है वांछा नहीं है उसका नाम परिमित परिमाण परिमित परिग्रह उसका नाम क्या है परिग्रह परिमाण अथवा इच्छा परिमाण नाम अथवा उसका नाम इच्छा परिमाण नाम का व्रत कहा गया है ये अपरिग्रह का छोटा ही रूप हुआ ठीक है ना आप पूर्ण रूप से अपरिग्रह नहीं हो सकते हैं लेकिन ये मुनि बनने की साधना है चेलोप मुनि रिव ठीक है ना जैसे मुनि वस्त्र रहित हैं लेकिन आप वस्त्र सहित होते हुए भी मुनि जैसे स्वरूप जैसे वाले यदि परिग्रह परिमाण का व्रत बना लेते हैं तो आप भी वैसे वैसी अनुभूति थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ के कर सकते हैं और पूर्ण त्याग हो जाएगा तो पूर्ण आपको अनुभूति हो जाएगी यहाँ पर परिग्रह परिमाण व्रत का वर्णन संपन्न होता है शेष विषय कर लेंगे आइए माँ जनवाणी की श्रुति करते हैं जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकलोक शोभा मस्तक धनो सदा दे हे जनवाणी भारती तोह जपो दिन दिन जो तेरी शरणा शरणाधरे शोपा विश्व सबको बहुत बहुत आशीर्वाद